वहां पास में दुर्वासा ऋषि भजन कर रहे थे, उनकी समाधि भंग हो गई, उनको क्रोध आया करके उसको श्राप दिया कि तू राक्षस हो जा। तो उसने प्रार्थना की प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी, पर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बता लेंगे किस बलराम तो तेरी मुक्ति होगी। तो ये बिलोचन ही धर्म का बना था जिसको उद्धार किया पूरे परिवार से तो एक श्री राम का सखा था भगवान कृष्णा बोले की वहां चलते आज गाय चराने के लिए, तो भगवान यहाँ पे आए तो उसका उद्धार किया धनुकासुर। Thank you.
द्विवेदी, उनके नाम की तो मुझे मालूम नहीं है, तब यहाँ आके दर्शन किए और ये प्रतिज्ञा की कि अगर मेरी संतान हो ठाकुर जी तो मैं पहली संतान ठाकुर जी तुम्हारे नाम करूँगी। तो ठाकुर जी है ने कृपा करी और कृपा करके उनके पुत्र ऐसा है जो जगत में विख्यात उनका नाम हुआ। पहला नाम ठाकुर जी का है जो देने वाले पुत्र का नाम क्या था, शांतनु द्विवेदी, शांतनु बिहारी द्विवेदी। तो यहाँ विशेषता है, आज भी यहाँ की विशेषता है, जिसके संतान जीती नहीं है या होती नहीं है वो आके यहाँ कुंड में स्नान करें, कपड़ा समेत स्नान करें और कपड़ा को छोड़कर दूसरे कपड़े धारण करके तब मंदिर आए और ठाकुर जी के पीछे गाय के गोबर को स्वस्तिक बनाए और ठाकुर जी की पूजा करा के उसकी गोद भराए तो एक साल में डेढ़ साल में उसकी गोद भर जाती है। आज भी महिमा यहाँ की, बोलो शांत बिहारी लाल की।